मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी ना? Why babes? कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको, आपकी शादी हो चुकी है। शादी क्यों नहीं आई आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर क्या करें अब? अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कही आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें फूलें, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना आपको सबसे पहले, आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई, बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है। और कंगना हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत लग रही है, आपको पता है सिद्धू साहब आपको कितना लाइक करते हैं? बहुत। वो हमेशा बोलते हैं कदम, वो है ये है क्वीन, ये लड़की में करंट है, कहते हैं ऐसा बोलते हैं। पर हम आपको सिद्धू साहब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। यहाँ पे हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगर आप कंगना के लिए शेर बोलना चाहते हैं, आपको खुला निमंत्रण है। ये देखो बड़े पड़े लोग, माइक दे दीजिए भाई साहब को। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है। चिराग, हाँ चलो आप कहिए कुछ। वही है नंबर वन, बाकी सब सेकंड लग रहा है। अच्छा, गिर रही है बिजलियां, करंट फ्रीक्वेंट लग रहा है। हाँ। कंगना जी को देख के सब हो गए हैं आज रोमांटिक, ये सेट आज स्विट्जरलैंड लग रहा है। क्या बात है, बिना वीजा आपने जो स्विट्जरलैंड पहुंचे, आप कहाँ से आए आप? मैं अजमेर से हूँ। अच्छा जी, अजमेर शरीफ, वाह बड़ी खूबसूरत जगह से आए आप जी। खुद गए हैं कभी आप स्विट्जरलैंड? नहीं, स्विट्जरलैंड। आपको कैसे पता ये स्विट्जरलैंड लग रहा है? उनको सर्दी हुई इसलिए। शुक्रिया चिराग। और कोई हमारे दोस्त जी? बड़ा तो हो जा पहले। कंगना के लिए शेर कहेगा, देखो ये पॉपुलैरिटी आपकी, बच्चे से लेके बूढ़े सब आपको लाइक करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? विश्वजीत। बोलो विश्वजीत। ओ गुरु, खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो। खुशबू बनके फूलों से उड़ती हो, बादल बनके पर्वतों से उड़ती हो। ये कैचिया तुम्हें नहीं काट सकती, क्योंकि तुम परों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। आहा, आहा। क्या बात है, आ गए गुरु। कहाँ से आए बेटा आप? नागपुर। किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा दीदी। बड़ा खतरनाक बच्चा आपका। बच्चों का सिद्धू, ऐसे बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती इनकी मुझे लगता है। क्या करते बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेवन। कंगना आपको बहुत अच्छी लगती है। हाँ। शादी करोगे? हंस रहा है अंदर ही अंदर। जिसकी ये शेर, जिसका ऐसा फीलिंग पूरी है इनके अंदर, वैसे उम्र में छोटा है, पूरा मर्द है अंदर से। ठोको ताली, ठोको ताली। ठोको। God bless you. शुक्रिया। All the best बच्चे। Thank you so much for lovely share. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर सागर। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, मेरी याद में उनको याद करूंगा। अच्छा, अगर आप शेयर कर दें। पेंट ढीली है हाँ, तो पूरा आराम से ठोक के पढ़िए शेर पूरा। कंगना रनौत के लिए आप शेर पढ़ रहे हैं जी। आप ही से प्यार सालों साल करूंगा, कितना? मेरी याद में उनको भी याद करूंगा। मेरी याद में उनको याद करूंगा, किनको याद करूंगा? बेकरार करूंगा। चलो बेकरार हो गया, आगे। अगर आप शेयर कर दें एक बार अपना नंबर, मैं रोज सुबह गुड मॉर्निंग बोलने के लिए कॉल करूंगा। ठोको ताली। नंबर तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कभी लेने की, इतने सालों से जान रहे हैं। कहाँ से बह के आए हो? कहाँ से आए हो आप? अजमेर। अच्छा, तो दोनों जानते हो एक दूसरे को, भाई हो ना आप? भाई हो तुम दोनों, शक्लें मिल रही हैं तुम्हारी, हरकतें मिल रही हैं तुम्हारी। पता था आज कंगना से मुलाकात होने वाली है? नहीं है, सरप्राइज मिला। अच्छा सरप्राइज मिला फिर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये शेर सभी लड़कियों में बांटते हो आप? पहली है। चलो शुक्रिया सागर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। मेरा नाम रजत है
रजत, मैंने कंगना जी के लिए एक शेर लिखा है अभी। हाँ जी, कहाँ से हैं रजत आप? पटियाला से हूँ सर मैं। अच्छा, पटियाला से जी। दिल चाहता तो तेरी आंखों के समंदर में डूब जाता, डुबकी लगा के वहां से चाहत के कुछ मोती ढूंढ लाता, मोतियों को चांद और सितारों से पिरो के तेरे लिए एक पायल बनाता, बट क्या करे मैंने कोशिश बहुत की बट मुझे तैरना नहीं आता। पटियाला में कोई स्विमिंग पूल नहीं है? सीख लेते कहीं। कोशिश की सर, आया नहीं कभी। यार ये जो पटियाला पैग बड़ा फेमस है वहाँ का, ये क्या होता है उसमें? मतलब 90 ml होता है सर। नाप के रखा है बस। हाँ, नॉर्मल 30 ml होता है। नॉर्मल की हमें नॉलेज नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू। अच्छा, पीछे मैडम बड़ी वो खूबसूरत लग रही। मैम आपने हिमाचली कैप पहन रखी है ये। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार। बड़ी खूबसूरत साड़ी पहनी और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो वेरी। कहाँ से हैं मैम आप? मैं शिमला से हूँ। अच्छा जी जी। आई वाज सो एक्साइटेड, मुझे जब पता चला कंगना मैम आ रही तो मैं दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपको देखकर। पहाड़ी टोपी, एक्चुअली हमारी फिल्मों में भी हम कभी पहाड़ी किरदार इतना देखते नहीं है जितना कि यूपी के या हरियाणा के भी आजकल, या पहाड़ों के इतना दिखाते नहीं है। पहले ज्यादा बड़ा पॉपुलर होता था, अब जरा फोकस थोड़ा हिमाचल पे होना है। जब से आप आई हैं ऑब्वियसली अब हिमाचल पे फोकस आ गया ना। आप दोनों की नजर एक शेयर करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। मिले तो थे अजनबी, मिले तो थे अजनबी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे पेशतर बेवजह थी जिंदगी। वाह। आप अकेली आई मैम? मैं अकेली आई। आपका पहाड़ी नहीं ऐसा? सॉरी मेरे पहाड़ी को बेचारों को रोक लिया वहाँ पे, कोई उनके ऑफिस का कोर्ट केस था। वो उनको किसी ने रोका या खुद ही उन्होंने रुकवाया अपने आप को? नहीं नहीं। हाँ। वो तो सोच रहे थे कि पहले कि तू जाएगी, मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। वो कंफर्म कर रहे होंगे ना, पक्का जाओगी? देखना कहीं पहाड़ों में माहौल गर्म ना हो रहा। ओहो जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा, मजा आ गया। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ। साइको कैरेक्टर है। के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना, और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे। मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती या जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अभी आप देखो बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आप देखो आप पूरे हिले हुए हो। तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं? ये तो है, ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से, बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं एकदम से, मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं? कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना, मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अब इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ ध्वन में आता है, कहते भी हैं, हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी, आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है, यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है।
जो जो लोग हिले हुए ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा बिकॉज एकता में भी है वो बात जी बिल्कुल कंगना के फैंस और क्रिटिक्स उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं विच इज वेरी गुड थिंग लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं हाँ बहुत कैसे मतलब क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना अभी मतलब तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना मैं बोला नहीं अभी निकलना आधे घंटे में तो वो बोलेगा अभी तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया मैंने कहा यार मनाली चलते हैं तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे अब सोनी पे शुरू होने वाला था तो मैं मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर हम लोग गाड़ी निकाली निकल पड़े सॉरी रात बैठ रहे सुबह मैंने कहा कहाँ आए कहता सूरत मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है कहता उदयपुर उदयपुर जाके इतना थक गए हम रात को रुक गए उदयपुर रात को रुके डिनर विनर किया सुबह फिर निकले फिर अगली सुबह पहुंच गए कहाँ पहुंचे मैंने कहा जयपुर मैं कहा गाड़ी रोक कहता क्या हुआ मैं कहा थक गया हूँ मैं को फ्लाइट लेके वापस जा रहा हूँ